जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मंगलवार को आए नतीजे बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रहे, जहां पार्टी ने सूबे के इतिहास में न सिर्फ अपनी सबसे ज्यादा सीटें जीती बल्कि वोट प्रतिशत के मामले में बाकी सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चुनावों में सबसे बड़े पार्टी बनकर उभरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में 29 सीटें जीती हैं, वह दूसरे नंबर पर है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भले ही सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं लेकिन कुल वोट पाने के मामले में वह सूबे में दूसरे नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ सीटों के मामले में दूसरे नंबर पर आई हो, उसने जम्मू कश्मीर के अपने चुनावी इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बीजेपी न सिर्फ सूबे में 90 में से 29 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की बल्कि सबसे ज़्यादा 25.64% वोट भी हासिल किए। कुल वोटों के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरे नंबर पर रही, जिसे 23.43% वोट मिले। संख्या के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 14,62,225 वोट और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 13,36,147 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस को 11.97 और पीडीपी को 8.87% वोट मिले और ये दोनों दल क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। इस तरह देखा जाए तो बीजेपी ने कांग्रेस और पीडीपी के कुल वोटों से भी ज़्यादा वोट बटोरे। बिंदास बोल न्यूज़, आज की खबर आज ही पढ़ें।